नहीं खबर कब मिली नगर, अरे दिल दीवाना हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल शोबिज कलर्स। नाज़रीन, किसी ने सच कहा है कि मोहब्बत कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। ये रंग नस्ल और उम्र की कैद से मुकम्मल आज़ाद हुआ करती है, जब हो जाती है तो फिर कुछ नहीं देखती। आज मोहब्बत की एक ऐसी ही कहानी का अहवाल, दो फनकारों के दरमियान होने वाली मोहब्बत और शादी के बाद जुदाई पेश करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। आज की कहानी पाकिस्तानी फिल्मों के मुनफरिद ऑलराउंडर अदाकार असद बुखारी और भारतीय फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार करके पाकिस्तानी फिल्मों में अपने हुस्न का जादू जगाने वाली मीना शूरी की है, जो अनोखे और नाकाबिले यकीन अंदाज में शुरू होकर अपने अलमनाक अंजाम को पहुंची। असद बुखारी 1934 को गुजरांवाला के करीबी इलाके गखड़ मंडी में पैदा हुए। इनका असल नाम सैयद एजाजुल हसन था। जैसा कि इनके नाम की निस्बत से जाहिर हो रहा है, वो सैयद घराने के चश्मो चराग थे। हिकमत इनके आबाओ अजदाद का कदीमी पेशा था, मगर असद बुखारी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ग्रेजुएशन के बाद इस खूबरू नौजवान ने एक इंश्योरेंस कंपनी और फिर बैंक में मुलाजमत इख्तियार की, मगर इनके अंदर का फनकार मुतमईन नहीं हुआ और वो फिल्मों के दिलदादा हो गए। सिनेमा स्क्रीन पर मीना शूरी के हुस्न को देखने के बाद इनके दिल में मोहब्बत की ऐसी शमा रोशन हुई कि वो फन की दुनिया से मुंसलिक होने पर मजबूर हो गए। असद बुखारी की शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी ना किसी तरह मीना शूरी से मुलाकात करके अपने दिल का हाल बयान करें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया और उसके बाद 1958 में इन्हें पहली बार फिल्म बेगुनाह में काम करने का मौका मिला। फिल्मी सफर की इब्तदा होते ही असद बुखारी ने लारा लप्पा गर्ल मीना शूरी के सामने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया। अपनी खूबसूरती और मुनफरिद अंदाज की अदाकारी करने वाली मीना शूरी उम्र में असद बुखारी से तकरीबन 12 साल बड़ी थी, मगर मोहब्बत उम्र कब देखती है। इश्क का मामला दोनों तरफ से भड़का तो असद बुखारी और मीना शूरी ने शादी कर ली, जो बदकिस्मती से ज्यादा अरसे तक कामयाबी के साथ ना चल सकी। असद बुखारी ने कैरियर के आगाज में बतौर हीरो बहुत सी फिल्मों में काम किया, मगर इन्हें अपने हम असर हीरोज के मुकाबले में ज्यादा कामयाबी नसीब ना हो सकी। बाद अजां वो साइड हीरो और फिर पाकिस्तानी फिल्मों के मुस्तनद विलन के तौर पर बहुत ज्यादा कामयाब रहे। आपको बताता चलूं कि एक ऐसा वक्त भी आया जब असद बुखारी के बगैर कोई भी पंजाबी फिल्म नहीं बना करती थी। इस शानदार मकबूलियत के बावजूद असद बुखारी के दिल में खुद को कामयाब हीरो तस्लीम करवाने का जुनून कम ना हो सका। अपने इसी शौक की तकमील के लिए असद बुखारी ने अपनी जाती फिल्में भी बनाई, जिनमें वो हीरो बनकर फिल्म बीनों के सामने पेश हुए। आंसू बिल्ला, बिल्ला चैंपियन और बिल्ला बब्बर शेर इनकी ऐसी ही फिल्में थी जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कामयाब रही, मगर दीगर फिल्म मेकर्स ने इसके बावजूद असद बुखारी पर अपना सरमाया नहीं लगाया।
हालांकि खानजादा और नवाबजादा भी दो ऐसी फिल्में थीं जिनमें असद बुखारी ने बतौर हीरो काम किया। ये फिल्में बहुत शानदार कामयाबी से हमकिनार भी हुईं, मगर असद बुखारी इसके बावजूद कामयाब हीरो तस्लीम नहीं किए गए। फिल्मों में विलन और करेक्टर एक्टर के तौर पर असद बुखारी ने अपना फिल्मी सफ़र जारी रखा और इस तरह उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 400 से ज़ायद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनका शुमार भी मुल्क के ऐसे ही अदाकारों में होता है जिनके जिक्र के बग़ैर फिल्मी तारीख मुकम्मल नहीं होती। खराबी सेहत की वजह से असद बुखारी फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए और बताया जाता है कि वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक हो गए। एक बहुत अच्छे अदाकार और नफीस इंसान के तौर पर इनकी फिल्मी हलकों में हमेशा बहुत ज़्यादा पजीराई की जाती रही। ये भी बताया जाता है कि वो आखिरी उम्र से काफ़ी पहले ही दरवेशी लाइन में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे, जिसकी वजह से इनके ज़ाती किरदार में आजजी का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा था। असद बुखारी ने अपनी ज़िंदगी में 4 शादियां कीं। इनका एक बेटा वली बुखारी भी कई फिल्मों में अदाकारी करता दिखाई दिया, ख़ास तौर पर सैयद नूर की फिल्म मजाजन में वली बुखारी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। असद बुखारी 14 अप्रैल 2014 को 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। यहाँ एक बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि इनके जनाजे में अदाकार शफकत चीमा के अलावा किसी बड़े फनकार ने शिरकत नहीं की। ये बेसबाती और अफसोसनाक रविश फिल्म वालों का हमेशा से ही वतीरा रहा है। ये बेहिस लोग अच्छे वक्त में जिन अदाकारों को कैश करवा कर ढेरों दौलत कमाते हैं, इनके आखिरी वक्त में उनका हाल तक पूछना गवारा नहीं करते। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल शोबिज कलर्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बरवक्त आप तक पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।